खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। तो कढ़ी सीखने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप मत करना, बिल्कुल भी बैठे रहना यहीं। तो आप सभी का मेरे चैनल पे वेलकम है। चलो अब हम शुरू करते कढ़ी बनाना। तो सबसे पहले मैंने लस्सी ली और अब मैं ले रही हूँ बेसन। एक कटोरी में मैंने बेसन डाल लिया है और अब मैं ये इस लस्सी में पूरा मिला दूंगी और उसके बाद एक चमचे की सहायता से इसे मिक्स कर दूंगी। उसके बाद फिर हमारे आए मसाले। मैंने हल्दी डाली है, उसमें मिर्च डाली है लाल वाली, और नमक भी डाल दिया है, और जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिला लिया है मैंने इसे, जो भी मसाले थे उसमें पानी ज़रूर हमें मिलाना है। जितना भी आप अपनी कढ़ी को पतला या मोटा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिला लेना। अब कढ़ी गैस पे चढ़ाने के बाद से ही आपको उसे चमचे से चलाते रहना है। अगर आप कढ़ी ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता जो कढ़ी में होता है, इसलिए जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हमें कढ़ी चलाते ही रहना। फिर हमें सिम पे कर देना है और फिर थोड़ा सा ढक देना। जैसे मैं चला ही जा रही हूँ, मेरे हाथों में दर्द भी हो गया था, अब आ रहा है उफान, तो अब मैं इसे छोड़ दूँगी और थोड़ा ढक दूँगी, फिर वो अपने आप से पकती रहेगी। यहाँ पे बन रही है कढ़ी और दूसरी तरफ क्या बना रहे हो दिशा? सेम की पनीर। सेम की पनीर कल भी बनी थी, परसों भी बनी थी, पता नहीं, ज़्यादा ही पसंद है शायद। सही है। तो जेठानी बना रही है कढ़ी और देवरानी बना रही है सेम की फले। चावल तो है फिर भी बनाने पड़ेंगे। चलिए तो अब हम तैयारी करते हैं कढ़ी में तड़का लगाने की। एक तरफ मेरी कढ़ी बन रही है, दूसरी तरफ मैं अपने कढ़ी में तड़का लगाने की तैयारी कर चुकी हूँ। टेन टेन पहले मैं बड़े डाल दी, फिर उन्होंने बोला इतने बड़े डाल दे, तू कोई बड़ी ब्लॉगर है, छोटे छोटे डाल, तेरे कोई नहीं देखने वाला। पपड़ी आ रही है, और हम वेट कर रहे हैं कढ़ी का। बढ़िया से कढ़ी खाएंगे आज, आज संडे है, निकलो यहाँ से। चलो जी, तो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कढ़ी में पकौड़ियाँ भी तो डालनी है ना, तो वो बनाने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। पहले मैंने छौंक लगा दिया, मैं पकौड़ियाँ बना के डाल दूँगी। तो यहाँ पे सेम की फली बन चुकी है और कढ़ी भी ऑलमोस्ट तैयार है, बस थोड़ी सी पापड़ी तैयार है। लाल मिर्च नहीं थी और बस मेरी वरना अच्छी लगती है देखने में। बस मेरे से यही गलती हो जाती है, जब सब कढ़ी चावल खा रहे थे मैं तब वीडियो बनाने याद नहीं रही, तो कढ़ी मतलब जैसे मैंने बनाई टेस्टी बनी थी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई।